ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नमस्कार, अजब गजब में आपका स्वागत है। मैं हूँ मेघा। दुनिया के लगभग हर कोने में आपको कब्रिस्तान देखने को मिल जाएंगे। कब्रिस्तान वो जगह होती है जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। कुछ कब्रिस्तान बेहद छोटे होते हैं तो कुछ कब्रिस्तान का एरिया काफी बड़ा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ पर है? दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया के इस सबसे बड़े कब्रिस्तान में 50 लाख से भी ज्यादा मुर्दे दफन हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये कब्रिस्तान आकार में एक शहर के जितना है। अजब गजब में आज हम आपको इसी कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे। हम जिस कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं उसका नाम है वादी अल सलाम। ये कब्रिस्तान इराक के नजफ शहर में करीब 1485 एकड़ में फैला। यह कब्रिस्तान वैली ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। अमूमन तो कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जिसे देखने के लिए कोई भी जाना नहीं चाहेगा, लेकिन इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर शिया इमाम और चौथे खलीफा इमाम अली इब्न अबी तालिब की दरगाह भी है। इस कब्रिस्तान में सभी कब्र पत्थर और मिट्टी से बनी हुई हैं। इन कब्रों में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वादी अल सलाम कब्रिस्तान काफी पुराना है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ लोगों को दफनाने का काम 1400 सालों से चला आ रहा है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर 1400 साल से इस कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया जा रहा है तो मुर्दों की संख्या 50 लाख तो होनी ही। इसकी लंबाई ज्यादा होने की वजह से कई सड़कें भी बनाई गई हैं जो कब्रों के बीच में से होकर निकाली गई हैं। ये कब्रिस्तान शिया मुसलमानों के बीच में काफी मशहूर है। कहते हैं दुनिया भर के शिया खुद को दफनाने के लिए इसी जगह को चुनते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर रोजाना लगभग 200 मुर्दों को दफनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ISIS के पहले 100 या फिर 120 मुर्दों को दफनाया जाता था। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर मुर्दों को दफनाने की संख्या 200 तक पहुँच गई है। इस कब्रिस्तान में एक मकबरा भी बना हुआ है, जिसके बारे में ऐसा कहते हैं कि जो भी ISIS के खिलाफ लड़ता है वो लड़ा के इस मकबरे में आकर मन्नत मांगते हैं कि अगर लड़ाई में उनकी मौत हो जाए तो उन्हें इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। आपको बता दें, यूनेस्को ने इस कब्रिस्तान को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। यहाँ पर आपको अक्सर भीड़ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सोचिए, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। इस जगह पर कोई जिंदा शख्स आना पसंद नहीं करता, लेकिन इस कब्रिस्तान की खास बात यही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो इसे देखने आते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अजब गजब में। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी।